संत चाहे तो जब चाहे समाधि में रहें, उनकी नेचुरल स्थिति तो वही है, लेकिन योग माया से वो अपने को कंट्रोल किए रहते हैं। फिर हम लोगों के बीच में आते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। वो सोचते हैं कि जिस आनंद में मैं निमग्न हूँ, ये बेचारे जीव भवाटवी में चक्कर लगा रहे हैं, इन जीवों को भी वो आनंद मिलना चाहिए। उनको हम जैसे जीवों पर दया आती है तो फिर हमारे ही समान वो व्यवहार करते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। अधिकांश महापुरुष ऐसे ही हुए जो अंदर से महापुरुष थे लेकिन बाहर से गड़बड़ दिखाई दिए। ऐसे संतों को समझना भी बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम तो बाहर की क्रिया से ही किसी का निर्णय लेना जानते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर फिर माया कभी हावी नहीं हो सकती, वो सदा के लिए महापुरुष बन जाता है, सदा के लिए माया चली जाती है। फिर भी हमारे यहाँ संतों ने माया के कार्य किए, कैसे क्यों, इसको आज समझना है। सर्वप्रथम हम चलते हैं इस ब्रह्मांड के रचयिता एवं संहारकर्ता के पास। शिव बिरंचि कह मोहि, को है बपुरा आन। ये माया तो इतनी बलवती है कि ब्रह्मा जी शंकर जी को भी मोहित कर लेती है, औरों की कौन कहे। और यदि आप लोग और स्पष्ट सुनना चाहें तो नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोह न अंध किन काहु के ही, को जग काम न चाव न जेही। ये माया तो इतनी बलवती है कि ब्रह्मा जी हो, शंकर जी हो, नारद जी हो, सनकादि परमहंस हो, कोई हो, किसी को नहीं छोड़ती। इसी सिलसिले में एक बात समझ लीजिए कि महापुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे महापुरुष जो सदा से महापुरुष हैं, कभी माया के अंडर में थे ही नहीं। इन्हें भगवान का परिकर अथवा पार्षद कहा जाता है। नंबर दो, ऐसे महापुरुष जो कभी हमारी तरह माया के अंडर में थे लेकिन किसी संत की शरणागति स्वीकार करके वो भी सदा के लिए महापुरुष हो गए। मैं सर्वप्रथम उन ब्रह्मवादियों का निरूपण करने जा रही हूं जो कभी माया के अंडर में थे ही नहीं, सदा से महापुरुष थे लेकिन उनको भी मोह ने, माया ने अंधा बना दिया, यानी माया ने अपने वश में कर लिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आज विषय का पूर्व पक्ष है, आज शंका रखी जा रही है, इसका समाधान आगे के 3-4 दिनों में किया जाएगा। इसलिए आज का प्रवचन सुनकर आप लोग घबराएंगे नहीं और कोई निर्णय भी नहीं लेंगे। देखिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष, उन्होंने हजारों लाखों वर्ष राज्य किया। ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया। प्रहलाद जी ने एक मन्वंतर राज्य किया। मन्वंतर किसे कहते हैं? 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, कलयुग से दुगुना द्वापर,
कलयुग से 3 गुना त्रेता, कलयुग से 4 गुना आयु सतयुग की, टोटल मिलाकर 43,20,000 वर्ष के ये चारों युग। ये चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो एक मन्वंतर, इतने लंबे समय तक राज्य किया प्रह्लाद ने, और महापुरुष हैं। हाँ, और देखिए राज्य करने के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रकार का कार्य करना पड़ता है। सतयुग के ज्ञानियों के नेता टॉप के परमहंस हुए सनकादि परमहंस, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। एक बार ये चारों भाई वैकुंठ जा रहे थे तो वहाँ जय विजय पार्षदों ने इनको रोक दिया, तो इन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। जबकि परमहंस किसे कहते हैं, यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति तदितर इतरम पश्यति तदितर इतरम शृणोति तदितर इतरम अभिवदति तदितर इतरम मनुते तदितर इतरम विजानाति यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा भूत तत्केन कम जिघ्रे तत्केन कम पश्येत तत्केन कम शृणुयात तत्केन कम अभिवदेत तत्केन कम मन्वीत तत्केन कम विजानीयात येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात विज्ञातार मरे केन विजानीयादिति। बृहदारण्यकोपनिषद दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 14वां मंत्र। यानी परमहंस उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा के अलावा न कुछ देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है, न जानता है, सर्वत्र मैं 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 का ही अनुभव करता है। तो जब ये मैं का ही अनुभव कर रहे थे करते थे तो इनमें द्वैत बुद्धि कैसे आई? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, क्रोध किसी को क्यों आता है? द्वैत बुद्धि से, और द्वैत की बिनु अज्ञान, और द्वैत बुद्धि क्यों होती है? अज्ञान से। तो जब ये जन्मजात महापुरुष थे सदा 5 वर्ष की आयु के ही रहते थे अवधूत अवस्था में, ऐसे परमहंसों के ऊपर अज्ञान कैसे आया, यानी क्रोध कैसे आया, शाप कैसे दिया? इसका मतलब माया हावी हो गई। हाँ जी, लगता तो ऐसा ही है।